रॉबर्ट कियोसाकी जिन लोगों को नहीं पता रिच डैड पुअर डैड के मालिक है, दुर्भाग्यवश शायद ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि वे व्यक्ति दो बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। थोड़ा इसको विस्तार से मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1994-1996 के बीच में इनका एक बिजनेस था विच वॉज रिलेटेड टू वॉलेट्स, तो उनने उसका बिजनेस चालू किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस पर वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए, वो बैंकरप्ट हो गई पहली कंपनी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक दूसरी कंपनी चालू करी थी, बीच में इनकी रिच डैड पुअर डैड आ गई जिसके कारण इनका इमेज बन गया, अच्छी खासी रॉयल्टीज मिल गई कि एसेट्स लो लाइबिलिटीज मत लो, ये सारी दुनिया भर की कहानियां रची गई जिसमें कि उन्होंने अच्छा खासा अपना नाम कमाया, स्पीकर सेशंस मिले, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स के लिए उन्होंने पैसे चार्ज किए। बट 2019 में उन्होंने फिर से बैंकरप्सी फाइल इस कंपनी में जहां पर वो सिखाते थे कि आपको रिच कैसे बनना, मतलब रॉबर्ट कियोसाकी जिस कंपनी के थ्रू आप लोगों को सिखा रहे थे कि रिच कैसे बनना, वो खुद बैंकरप्ट हो गई।